टू माई अनदर वीडियो। आज हम डबल पैन के बारे में बात करेंगे जिसमें 9 पीस ऑफ कंटेनर लगे हुए हैं और राउंड पैन है 20x20 इंचेस के और कूलिंग कैबिनेट है जिसमें सेपरेट सारी यूनिट सेपरेट लगी हुई है। के बारे में मैं बता रहा था वो ये वाली मशीन है जिसके 20x20 इंचेस के पैन हैं, ये राउंड में है 20x20 इंचेस के पैन और ये 1x9 के कंटेनर है 9 पीस। ये कूलिंग कंटेनर है, इसके नीचे पाइपिंग हुई हुई है, ये इस नीचे से कूलिंग लगेगा, ये कूल होंगे सारे। इसके अंदर टॉपिंग्स मिल्क जो आपको रखना वो आप रख सकते हैं। ये भी 20x20 इंचेस का पैन है। अब ये देखिए, ये इसका यूनिट है, ये सब जीरो ऑन ऑफ बटन, डिफ्रॉस्ट बटन, डिफ्रॉस्ट पैडल का भी है इसमें, न्यू अपडेट सिस्टम हुआ है, न्यू इसमें डिफ्रॉस्ट पैडल का भी है। और ये जो है ये कैबिनेट का ऑन ऑफ बटन है, अगर हम इसको ऑन करेंगे तो कैबिनेट का कूलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये ऑटो कट सिस्टम है इसके अंदर, ऑटो कट होके कंटिन्यूसली वर्क करता रहेगा। और ये इसमें कंपनी का डिटेल्स है, फोन कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी का डिटेल्स सब है। ये भी दोनों पैन 20x20 इंचेस के हैं, दोनों पैन 20x20 इंचेस के हैं। और ये भी सेपरेट यूनिट लगी हुई है, डिजिटल मीटर, जिसमें आपका टेम्परेचर जो तवे पे आ रहा होगा या जो कितना टेम्परेचर भी आपका तवे पे आ रहा होगा वो इसमें शो करेगा। ये ऑन ऑफ बटन है, ये पैडल डिफ्रॉस्ट बटन है। अगर हम इसको करेंगे, अगर हम इसको आराम से सूज जा सकता है, कुछ कोई भी सूज हो आराम से, गैप बहुत है इसके अंदर, इसमें भी आराम से पैर जा सकता है। ये लेजर कट फिनिशिंग के साथ है, लेजर कट फिनिशिंग के साथ फ्रंट पे से प्लेन है, ये काउंटर के अंदर लगेगा ताकि डिस्प्ले भी शो होती रहे। 65mm डीप कंटेनर है ये 1x9 के। ये कूलिंग कैबिनेट है जिसका सेपरेट मैं यूनिट बता रहा था, वो ये कूलिंग कैबिनेट है। इसमें एक सेल्फ दिया हुआ है सामान रखने के लिए। अगर आपके कूलिंग वैसे ऑटोमेटिक है, अगर आपको लगे कि इसमें कूलिंग ज्यादा आ रही है तो आप यहां से ऑफ कर सकते हो। ये आराम से मैं वीडियो दिखा रहा हूं, आराम से, बिल्कुल बिल्कुल आराम से दिखा रहा हूं। फिनिशिंग देखिए, बिल्कुल शाइनिंग फिनिशिंग है, लेजर कट फिनिशिंग के साथ है सारा। व्हील भी इसमें दो लॉकेबल व्हील हैं और दो विदाउट लॉकेबल व्हील है, फ्रंट वाले विदाउट लॉकेबल है और ये जो बैक वाले हैं जो बनाने का साइड है, जो वर्किंग साइड है, उस साइड लॉकिंग व्हील लगे हुए हैं। मैं दूसरी तरीके से आपको दूसरे एंगल में दिखाता हूँ, अगर कस्टमर साइड से देखेंगे तो वो इस तरीके से दिखेगा मशीन। थैंक यू माई वीडियो वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। आगे इसी तरीके से मैं आपको अलग अलग मशीनों के बारे में बताता रहूँगा।